रिएक्शन आपके नए क्रिसमस सॉन्ग के बारे में हमें बताइए, लव इज ऑल अराउंड। बस हमने एक लव चेंज किया है लव को क्रिसमस में। क्या ये आपको कोई खास मैसेज देता है इधर? नहीं, ऐसी बात नहीं है माइक। क्रिसमस से प्यार करने वाले लोगों के लिए साथ रहने का वक्त। और आप वो नहीं है? वो मैं नहीं हूँ माइकल। जब मैं छोटा था और कामयाब था तब मैं लालची और बेवकूफ था, और अब भी मेरे साथ कोई नहीं, बूढ़ा और अकेला हूँ। वाह, इसके लिए थैंक्स। इसके लिए किसी सवाल का सच्चा जवाब दे, मुझसे जो चाहे पूछ लो, मैं सच ही कहूँगा। आपका नया एल्बम कैसा होगा? ओ माय गॉड, मेरी तरह तुम भी जानते हो नया एल्बम एकदम बकवास है। पर क्या ये अच्छा नहीं होगा? इस क्रिसमस नंबर वन कोई घमंडी टीनेजर नहीं, बल्कि एक पुराना नशेड़ी बूढ़ा हो जो किसी भी हालत पर वापस आना चाहता है। ये सारे यंग पॉप स्टार्स, क्रिसमस आया नहीं, ये खूबसूरत नंगी लड़कियों के पीछे भागते फिरेंगे और मैं किसी गंदे फ्लैट में अपने मैनेजर जो के साथ सड़ता रहूँगा। दुनिया का सबसे बदसूरत आदमी, हद से बदसूरत, क्योंकि सारा जिंदगी का दाम चला नहीं। अगर तुम सांता क्लॉस में यकीन रखते हो बच्चों, जैसे तुम्हारे अंकल बिली करते हैं, तो मेरा गोबर से भरा हुआ रिकॉर्ड ज़रूर खरीद, और ख़ास करके इस चौथी लाइन के मज़े ज़रूर लेना जहाँ हमने वो एक एक्स्ट्रा अक्षर बिठाने की कोशिश की। मेरे ख्याल से आपका मतलब है इफ यू रियली लव क्रिसमस कम ऑन एंड लेट इट स्नो, कौन सुनेगा। तो सर, बच्चों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? तो बच्चों, ये है तुम्हारे अंकल बिल का एक इम्पोर्टेंट मैसेज। ड्रग्स कभी खरीदना, तुम पॉपस्टार बन जाओ और वो तुम्हें फ्री में दे देना।